ऑल राइट गाइस, बटरफ्लाई लव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जस्ट जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, इसके सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो ड्रामा में आगे बढ़ते हैं। सो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि पर्पल पोनी की बरसात हुई थी, जो कि बटरफ्लाई मेंबर के लिए एकदम ख़तरनाक होती है, जिसके पड़ने से बहुत से लोग, मतलब बटरफ्लाई मेंबर्स जो हैं वो जल के मर गए थे। तो एक सैनिक आके उस राजा को अपनी वो डिटेल बताता है कि पूरे 48 जो बटरफ्लाई मेंबर्स थे उनमें से, मतलब बहुत से मेंबर्स जो हैं सब के सब जल के मर गए। तो पर्पल पोनी जो होती है उसने अपना काम कर दिया, बट आश्चर्य की बात तो ये है कि उसमें से 5 जो बटरफ्लाई मेंबर्स जो हैं वो नॉर्मल इंसान बन गए हैं। तो वो राजा एकदम से शौक हो जाता है, बोलता है क्या मतलब बटरफ्लाई मेंबर एक नॉर्मल इंसान में कैसे बदल सकता है, बाकी तो सब जल के मर गए, तो उनमें ऐसा क्या खास था, तो क्या अपनी जो रुई है वो भी अब नॉर्मल इंसान में बदल सकती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ चेंग जो होता है यूई को एक दूसरे जगह पर लेकर आ जाता है उसके मास्टर के साथ में, क्योंकि भाई वो पर्पल पोनी की उस पर ऊपर भी बरसात हुई थी और उससे भी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी। तो अब लगातार उस 3 दिन बीत चुके होते हैं और चेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बट आपको याद होगा कि प्रिंसेस जुहू ने उसे एक अपना जो खून जो होता है किन्री ब्लड वो उसे दिया था ताकि वो उससे उसमें एनर्जी आ जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चेंग अब इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी रुई जो है वो नींद से उठेगी या फिर होश में आएगी। सो कुछ देर बाद प्रिंसेस जुहू के खत आया हुआ होता है चेंग के लिए, वो पूछ रही होती है कि हमारी रुई कैसी है। तभी ये सब हो ही रहा होता है कि अपनी रुई उठकर चेंग के सामने आके उसका नाम पुकारती है। तो भाई अपने चेंग के हाल मतलब सांसों में सांस आ जाता है कि चलो फाइनली हमारी रुई जो है वो उठ चुकी है और वो एकदम से नॉर्मल दिख रही है, मतलब वो एकदम बिल्कुल ठीक दिख रही है। तो इस कंडीशन में कोई भी क्या करेगा, सिंपल से जाके उसे बस अपनी बाहों में भर लेगा। तो चेंग भी अपनी रुई को जाके सीधे बाहों में भर लेता है कि यार तुम कम से कम होश में आ गई, मुझे दिल को तसल्ली मिल गई। और ये सब चल ही रहा होता है तभी उसकी जो समझ रहे हो ना वो आ जाती है, वो देख के थोड़े सी वो भी शर्मा जाती है, लेकिन उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो रुई कम से कम होश में आ गई है। और ये सब जो काम हुआ है वो उसी किन्री ब्लड के वजह से हुआ है जो प्रिंसेस जुहू ने हमारे चेंग को दिया था। सो उसके बाद सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस जुहू का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उसने 2 बार मेरी जान बचाई है, मेरी रुई की जान बचाई है, मैं उनका एहसान कभी बोल नहीं सकता हूँ। साथ ही साथ उसके अपने गुरु की भी वो को थैंक्स कहती है कि आपके वजह से मैं अब बिल्कुल भी अच्छी महसूस कर रही हूँ। और वो चेक करती है तो वो बताते कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो, तुम्हारा बेबी भी बिल्कुल ठीक ही है। तो प्रिंसेस जुहू जो होती है अब पता लगाने के फिराक में होती है कि उसके पति मतलब मार्केस की जो बहन थी आखिर उसके साथ क्या हुआ है और क्या वो मुझे बता सकते हैं कि उसे किन्री ब्लड की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो वो इस सब के लिए उसके पूरे अपनी बातों में फंसा रही होती है कि प्लीज़ मुझे बता दो, मैं सिर्फ तुम पे ही तो भरोसा करती हूँ। और एंड देन वो मना करते करते वो जैसे ही बताने की कोशिश करता है तभी भाई साहब पीछे से अपना वो उसका हस्बैंड आ जाता है और क्या चल रहा है ये। तो उसके बाद वो एकदम से डर जाता है, बोलता है कुछ भी नहीं। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। सो मार्केस के आने के वजह से प्रिंसेस जुहू का सारा खेल वहीं बिगड़ जाता है और उसे सच्चाई का पता नहीं चलता है कि आखिर उसकी बहन के मतलब उसके बहन के साथ आखिर हुआ क्या है। सो प्रिंसेस जुहू के जाने के बाद मार्केस जो होता है अपने सैनिक के साथ, वो साथी के साथ बोलता है कि जो पोनी की बरसात हुई थी उसके वजह से शहर के सारे जो बटरफ्लाई मेंबर है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब बस जाके पता करो कि यूई का क्या हाल है, यूई और चेंग क्या कर रहे हैं, यूई अभी ठीक है या फिर वो भी ख़त्म हो चुकी है, जाओ जल्दी से जाके देखो और मुझे बताओ कहाँ पे हैं वो लोग। तो ये सब बात प्रिंसेस जुहू सुन रही होती है और वो डर जाती है कि क्या पर्पल पोनी इतना ज़्यादा डेंजरस होता है बटरफ्लाई मॉन्स्टर के लिए, वो उसे लगता है कि क्या हमारी जुही रुई है वो सही होगी। तो रुई के बारे में वो चिंता करने लगती है क्योंकि वो उसने खुद देखा था कि जो पर्पल पोनी की बरसात हो रही थी तो प्रिंसेस जो मतलब रुई जो है वो वहीं उसके सामने ही बेहोश हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि क्या उसकी जो फ्रेंड है वो भाई सही सलामत है या नहीं। और इस तरफ चेंग जो होता है यूई के लिए एक नया घर ले लेता है ताकि भाई उसे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और कुछ दिन वो लोग यहीं रहेंगे। उसके बाद रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है तो वो बोलती है कि मैं जाके रूम साफ़ा कर देती हूँ। तो चेंग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस कंडीशन में कोई भी काम नहीं करूँगी, ये सारा काम मैं कर दूँगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि क्या ये तलवार चलाने वाले हाथ झाड़ू चला सकते हैं। तो उसके बाद वो बोलता है बस तुम देखती जाओ। और उसके बाद वो सफाई में लग जाता है, उसके बाद वो जैसे तैसे सफाई करता है, वो उसे समझाती है तुमने यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, लेकिन ये लेकिन समय जो है काफ़ी अच्छे से बीत रहा होता है और अपनी रुई जो होती है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है।
और इतना ही नहीं, चैंग उसके लिए मतलब मज़ेदार मज़ेदार खाने से बना खाना उसके लिए बनाता है, जो कि ये सब देखकर वो भी शौक हो जाती है कि तुम इससे ज़्यादा इतने अच्छे अच्छे खाने कैसे बना सकते हो, क्या तुम प्रैक्टिस किया करते थे? तो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस किया करता था, और वैसे भी मैं बहुत समय अकेले रहा हूँ तो मुझे इस सब चीज़ों की नॉलेज है। तो उसके बाद वो टेस्ट करती है और बोलती है कि यार मैंने जैसा सोचा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, लजीज़ है। तो भाई ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो किसी को क्या चाहिए कि एक योद्धा, लड़ने में माहिर और खाना बनाने सफाई करने भी नंबर वन, तो और लड़की को और चाहिए क्या? कमेंट बताओ अगर आपको भी इस तरह के हस्बैंड चाहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो उसके बाद वो एक जगह पर उसे लेकर जाता है जहाँ पर बोम्बे बेम्बूस मतलब होते हैं, हमें जैसे बांस कहते हैं उन, वहाँ के जो होता है वहाँ के छोटे छोटे पत्तों की, वो वहाँ उसके ऊपर बारिश कराता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है, और वो देखे वो बहुत ज़्यादा खिलखिला उठती है। लेकिन वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम्हें पर्पल पोनी की जो बरसात होगी तुम्हें उसमें नाचने का मौका मिलेगा, और तुम्हें मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा ताकि तुम भी बाकी गाँव वालों की तरह, बाकी लोगों की तरह पर्पल पोनी की रेन को भी इंजॉय कर सको। तो क्योंकि वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो चैंग बिल्कुल चाहता था कि अगर ये इस तरह की रेन को इतना एंजॉय कर रही है तो पर्पल पोनी की रेन को ये कितना ज़्यादा एंजॉय करेगी। और बच्चे अब अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा रोमांस होने वाला है, क्योंकि अब बहुत दिन से वो नहाई नहीं थी। तो वो बोलती है कि क्या वो मतलब मेरे गुरु को बुला सकते हो, वो मुझे नहला देगी? तो वो बोलता है कि भाई मेरे होते हुए हाँ बाकी सारा काम मैं तुम्हारा करूँ, झाड़ा पोछा मतलब झाड़ू पोछा कर दूँ भाई, खाना खिला दूँ, सब कुछ कर दूँ, और ऐसे मौके पर मैं किसी और को बुलाऊँ? ना ना कतई नहीं, ये काम मैं ही करूँगा। सो ये पार्ट मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बाद जब रोई सो रही होती है तभी उसे अचानक से नींद में भूख लग जाती है, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी के अवस्था में भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद वो लोग स्वीट पोटैटोज़ जो होते हैं वो उसके लिए चैंग जो है वो भूज रहा होता है। तो उसके बाद वो अपने वो उसे खिलाता है और अपनी पिछली बातों को याद करता है, और थोड़ा सा माहौल रोमांटिक सा होता है। उसके बाद चैन उसे जैसे ही किस करने जाता है अपनी रूही को, देन लिटरली वो भाई मतलब आप जानते हो स्वीट पोटैटोज़ खाने से, मतलब स्वीट पोटैटोज़ आपको पता होगा शकरकंदी जो होता है उसे खाने से थोड़ा पेट में गैस बनती है, तो वो फाट कर देती है अपनी रूही जो होती है, आप समझ रहे हो। तो चैन अचानक से ये क्या हुआ? सो उसके बाद वो बोलता है मतलब पूछने लगता है कि क्या हुआ अभी, कुछ आवाज़ आई? तो उसके बाद वो बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या तुमने अभी नहीं, मैंने बोला ना कुछ भी मत बोलो। अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, इसका मतलब तुमने फार्ट किया है, और ऐसा बोल के उसे चिढ़ा के भागने लगता है। उसके बोलती है कि मैं तुम्हें तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तुम्हारा तुम्हें कैसे फेस करूँगी, तुम मेरे सामने ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है ऐसी सिचुएशन में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन लोग का काफ़ी अच्छा सा वक्त गुजर रहा था। और दूसरी तरफ मार्केस प्रिंसेस जूहू के पास आता है, तो वो देखता है कि वो काफ़ी मतलब गहरी नींद में होती है, और नींद में बड़बड़ा रही होती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तो मार्केस उसे जब देखता है और उसके हाथों को छूता है तो पता चलता है कि हाँ इसे लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो उसके बाद उसे एक कंबल और ऊपर से डालता है, लेकिन उसकी जो ठंड है वो अभी भी जा नहीं रही होती है। तो मार्केस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस वक्त मैं किसे बुलाऊँ और क्या करूँ। देन उसके बाद आपको पता है फिल्मी हीरो अपने हीरोइन को बचाने के लिए क्या करता है जब उसे ठंड लगती है। देन वो थोड़े से अपने जो वस्त्र होते हैं उसे उतारने के बाद वो सीधे जाता है उसे बाहों में भर के सो जाता है, ताकि भाई उसके शरीर की गर्माहट जो होती है एज यूजुअल उसे भी लगे, और वो आराम से चैन की नींद सोए, उसकी सारी ठंडक जो है गर्मी में बदल जाए। क्योंकि मार्कस भी इस सब चीज़ों का जिम्मेदार अपने आप को ही मान रहा होता है, क्योंकि आपको भी अगर पता हो तो आप ये जान लेना कि अगर शरीर से काफ़ी खून बह जाए तो शरीर में ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए वो शर्माते घबराते प्रिंसेस जूहू के गले लग जाता है, और इस तरह से मॉर्निंग हो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है प्रिंसेस जूहू पहले तो वो देखती है कि किसी का हाथ मेरे सर के नीचे है, और वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो वो और कोई नहीं भाई हमारे हस्बैंड जी होते हैं। तो ये तो पहली बार थी जब उसका हस्बैंड उसके पास मतलब मार्केस उसके पास आया हुआ था, उसके अपने बाहों में भर के सोया हुआ होता है। उसे नहीं पता होता है कि उसे रात में ठंड लग रही थी उसकी वजह से वो उसके पास आया, लेकिन जो भी बात थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मतलब भाई समझ रहे हो ना कि पहली बार उसका हस्बैंड जो है उसके इतने पास आया होता है, तो वो उसके पास उसे बस उस भाई उस लिटरली उससे खेलने लगती है, उसके होठों से खेलने लगती है, उसे प्यार से देखने लगती है, क्योंकि मार्केस सोया हुआ होता है। लेकिन बात तो ये होती है कि मार्केस अभी भी जगा हुआ होता है, बस वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है, अपनी मतलब भाई मुट्ठी बांध लेता है कि ये क्या कर रही है मेरे साथ, लेकिन वो आँखें खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। सो प्रिंसेस जूहू की तो सुबह एकदम बहुत मस्त वाली होती है, तो स्माइल कर रही होती है। तो उसका जो मुलाजिम होता है वो पूछता है कि क्या हुआ प्रिंसेस जूहू मैडम, क्या आप इतनी खुश दिख रही हो? तो उसे बोलता है पास आओ मैं आपको बताती हूँ कि आज रात को मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, मुझे मार्केस जी ने भाई वह गले लगा लिया था, उसके बाद वो मुझे अपने बाहों में भरे हुए थे, और वो वेट कर रहा होता कि वो प्रिंसेस जूहू और भी कुछ बताएगी। वो पूछता है कि और कुछ? तो और कुछ क्या,
ये बहुत है मेरे लिए, क्योंकि उसे समझ में आ रहा होता है बस इतना ही, लेकिन प्रिंसेस जू के लिए लिटरली ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पहली बार होता है लाइफ में उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट हो रहे होते हैं। सो उसी दिन मार्कस अपने साथी को बोलता है कि कोल की संख्या जो कोयला होता है यहाँ पर रोज़ ज़्यादा ले आओ, क्योंकि प्रिंसेस जूहू के कमरे में कोल न होने की वजह से उसे ठंड लगती है, क्योंकि उसका खून तो भाई यूज़ होते रहता है। और ऊपर से वो बोलता है कि जानवर की चमड़ी की जो होती है, कपड़े जो होती है, वो बनाओ ताकि जितना ज़्यादा वो गर्म हो सके। और ये सब सुनकर वो स्माइल कर रहा होता है, और साथ ही साथ फिर बोलता है सुनो उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना। तो वो सब समझ जाता है कि भाई हमारे मार्कस जी को भी अपनी प्रिंसेस जूहू से लगाव हो गया है। तो वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है तो किस बात पे इतना स्माइल कर रहे हो आजकल, तुम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हो। तो बोलता है मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ आजकल। तो ये प्रिंसेस जू वहाँ पे आके मार्केट से बात करने लगती है, तो बोलती है कि क्या तुम बाहर जा सकते हो, मतलब उसके साथी को। तो मार्केट बोलता है कि मेरा खास आदमी है, हमेशा मेरे साथ रहता है, इससे कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती है। तो बोलती है अरे पर्सनल बात है। तो उसके बाद बोलती है ठीक है तुम अपने कान बंद कर लो, लेकिन आपको पता है कान बंद करने से भी आपको कुछ ना कुछ तो सुनाई देती है। उसके बाद वो मार्केट को बड़े धीरे से बोलती है कि क्या आप आज मेरे साथ सोएंगे। तो उसके बाद वो जो चाय पी रहा होता है उसके मुंह से पचकारी निकल जाती है, और वो बोलता है कि मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ अगर आप मेरे साथ दोबारा सोना चाहोगे ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप मेरे साथ साथ में सोए थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसके बाद आपने मुझे बाहों में जब भरा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे गर्मी सी लग रही थी, तो इसलिए मैं पूछने आई थी कि क्या मैं आपके लिए वहाँ पर दो कंबल लेकर आऊँ, एक आपके लिए एक मेरे लिए, या फिर एक ही कंबल में हम लोग का काम हो जाएगा। और ये सब बात वो मतलब उस समय वो बोल रहा था कि इसे रहने दो, ये मेरे साथ रहने वाला आदमी है, भरोसे का आदमी है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन वो उसको देख कर शर्माने लगता है, बोलता है बस ये सब बातें हम बाद में करेंगे ठीक है। क्योंकि वो पहले ही बोल रही थी भाई पर्सनल बात है, तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद वो हंसने लगता है लिटरली, उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं बाद में आपसे बात करूँगी। तो ये सब बोल के प्रिंसेस जूहू तो चली जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मार्केस गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मार्केस तो भाई मनी मन स्माइल कर रहा होता है कि क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो उसकी पत्नी है और अब वो लोग साथ में आ रहे होते हैं, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अब लगता है कि हमारी दूरियाँ खत्म होगी। सो रात होते ही मार्केस भाई साहब एकदम चौर में एकदम किताब उठा के उसके पास जा रहा होता है घमंड से कि अभी वो मुझे देखेगी और सोने के लिए बुलाएगी, लेकिन वो देखता है कि वो तो सो रही है, तो उसे लगता है कि क्या ये सो गई है। तो उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं ही उसके पास चला जाता हूँ, जब वो नहीं आ रही है वो सो गई है। तो उसके बाद वो जाके देखता है तो लिटरली एक नहीं दो दो कंबल वहाँ पर होते हैं। तो वो बोलता है कि यार मैंने तो इसे ऐसा नहीं कहा था कि मैं उसके साथ नहीं सोऊंगा, मैं अलग सोऊंगा। तो एकदम से इरिटेट हो जाता है कि यार ये तो गलत बात है, एक तो तुमने मेरे अरमानों को जगा दिया, उसके बाद से तुम अकेले आराम से घोड़े बेच के सो रही हो। तो बहुत ज़्यादा वो करने लगता है, होता नहीं है खड़ा खिसका आया पति, वो उस तरह के बिहेवियर करने लगता है कि यार ये तो बहुत गलत बात है, कैसे मुझे अकेला से मतलब जगा के खुद ही सो रही हो। वो तो समझ रहे हो ना, क्योंकि मार्केस भी अब उसे अपनी पत्नी से समझने लगा है। तो भाई अब ड्रामा क्या ही मोड़ पे चल रहा है, तो अब क्या ही होगा। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि ड्रामा तो अजीब ही मोड़ पे चल रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है। मुझे लग रहा है इनकी लव स्टोरी जल्दी ही कुछ अच्छा मोड़ दिखाएगी, लेकिन बात यह है कि अभी भी हमारी रुई जो है अभी भी मॉन्स्टर में बदल रही है, उसके गर्भ में एक बेबी पल रहा है, और दूसरी तरफ तो ये लोग करीब आ रहे हैं। देखो ये लोग कब तक करीब आते हैं, क्या मार्केस की सिस्टर जो है वो नॉर्मल हो पाएगी, अगर नॉर्मल होती है तो क्या होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।